दोस्तों आपने सुना होगा सर्वर्स के बारे में, ये कैसे काम करते हैं, ये क्या चीज है, ठीक है, इसका बेसिकली यूज कैसे होता है, कैसे हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं। आपने सुना होगा फेसबुक सर्वर्स के बारे में, आपने सुना होगा गूगल सर्वर्स के बारे में, या फिर सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर अप हो गया है, इन सभी चीजों से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइब्रेरी, लेट्स डू इट। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सर्वर की, तो सर्वर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम लिखा होता है आपकी जो भी लैंग्वेजेस हैं उनसे रिलेटेड, लाइक आपकी जो विंडोज है विंडोज के लिए अलग सर्वर बने होते हैं, लिनक्स के लिए अलग सर्वर बने होते हैं, तो इस तरीके की लैंग्वेजेस के लिए सर्वर्स के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। वो प्रोग्राम जो है पर्टिकुलर मशीन्स के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। हम उन मशीन्स को भी सर्वर बोल सकते हैं, हम उस प्रोग्राम को भी सर्वर बोल सकते हैं। बेसिकली अगर हम उस प्रोग्राम के लिए कोई डेडिकेटेड मशीन बना लेते हैं तो वो सर्वर के अंदर कंक्लूड होती है। अगर मैं बात करता हूं कितने टाइप्स के सर्वर्स होते हैं, तो बेसिकली ये 6 टाइप्स के सर्वर्स होते हैं, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, आपका डेटाबेस सर्वर हो गया, डोमेन सर्वर हो गया, और एप्लीकेशन सर्वर हो गया। इन पर्टिकुलर सर्वर से रिलेटेड मैं हर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको इन्हीं सीरीज के अंदर ये वीडियोस मिलती जाएंगी आगे की। अगर मैं बात करता हूं एक रियल एग्जांपल की किस तरीके से सर्वर्स बिहेव करते हैं और मैं इनको और कैसे समझ सकता हूं, तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं फेसबुक का, तो फेसबुक के पास, या फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं यूट्यूब का जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब के, तो आपने जो है वो एक रिक्वेस्ट की, ठीक है, रिक्वेस्ट इज मीन्स मेरी साइड से एक रिक्वेस्ट आई जो आपने ब्राउजर पे रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है, या फिर आप जो देख रहे हैं आपने रिक्वेस्ट की है, आपने ब्राउजर पे क्लिक किया होगा उस इस वीडियो को, या फिर आपने मोबाइल में अपने क्लिक किया होगा, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई इस वीडियो से रिलेटेड कि हाँ मुझे ये वीडियो देखनी है। वो वीडियो जो है वो पर्टिकुलर जो इंटरनेट के थ्रू बाया फाइबर्स के थ्रू ये सारी रिक्वेस्ट जो है वो आपके जो यूट्यूब का सर्वर है वहां पे गई, उसने उस पर्टिकुलर प्लेस को रीड किया कि हाँ आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, ये इसका लिंक है जो ऊपर URL दिया हुआ है youtube.com/ इस तरीके से XYZ ये सब पूरा दिया हुआ है जिस तरीके से, तो वो लिंक वहां पे गया, वहां पे उस पर्टिकुलर लिंक ने उसको एक्सेस किया है, ये फाइल का नाम है, ये फाइल से रिलेटेड उसने डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया और आपको ये इस समय वीडियो जो है दिख रही है। तो अगर मैं और एक एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल की बात करता हूं कि बेसिकली सर्वर किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो सर्वर एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं एक सर्वर को इंस्टॉल कर देता हूं, मैं कॉलेज सर्वर की बात करता हूं, ठीक है, मान लीजिए आपने जहां से पढ़ा होगा, ठीक है, आपने जहां से इंटर किया होगा, ठीक है, इंटर कॉलेज की मैं बात कर लेता हूं, या फिर मैं एक ग्रेजुएशन कॉलेज की बात कर लेता हूं, तो ग्रेजुएशन कॉलेज में एक सर्वर इंस्टॉल्ड है, एक पर्टिकुलर लैब बनी हुई है, वहां पे एक लैब रूम पूरा बना हुआ है, वहां पे सर्वर रखा हुआ है, या यूं कहें कि वहां पे एक सिस्टम रखा हुआ है जिसके अंदर एक सर्वर नाम का प्रोग्राम एक इंस्टॉल्ड है। अब मुझे वो उस सीपीयू के अंदर कुछ हार्ड डिस्क लगी होंगी, फैंस लगे होंगे, ठीक है, पूरा एक सीपीयू बना होगा, प्रोसेसर लगा होगा, सब कुछ रखा होगा, ठीक है, तो वो जो सर्वर है वहां पे रिक्वेस्ट गई, मान लीजिए फैकल्टी रूम में एक पर्सन बैठा हुआ है, एक ए सब्जेक्ट का एक पर्सन बैठा हुआ है, मैथमेटिक्स का एक पर्सन बैठा हुआ है, उसने आपकी अटेंडेंस ली, क्लास ली आज आपकी, और क्लास लेने के बाद वो जो है वो लेक्चर लिया आपका, और उसके बाद जो है वो अटेंडेंस जहां पे वो अटेंडेंस फीड करता है वहां पे वो गया सिस्टम के पास, और उसने सर्वर पे रखी हुई एक फाइल को एक्सेस किया, और वहां पर उसने आपकी आज की अटेंडेंस प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी है वहां पे मार्क कर दी। अब आप जो है वो दूसरे, आप मान लीजिए आप बाहर बैठे हुए हैं, आप घर पे आए, आपने चेक किया कि आज मेरे पास अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी है, तो वो आप वहीं पर उसी प्लेस पे जाके एक्सेस करेंगे एक पर्टिकुलर URL के थ्रू, आपके कुछ ऑथेंटिकेशन हो गए, आपके लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, तो ये एक्सेस लेवल हम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली सर्वर्स कई तरीके के, जो मैंने बोले हैं 6 तरीके के सर्वर्स होते हैं, हर सर्वर का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। अगर अब डेटा सेंटर्स होते हैं तो उनके लिए हम डेटाबेस सर्वर यूज करते हैं, फाइल सर्वर होते हैं जहां पे फाइल उन डेटाबेस से फाइल फेच करने के लिए यूज करते हैं, प्रिंट सर्वर हो गया, उनसे उन फाइल से रिलेटेड कुछ मुझे प्रिंट करना है पर्टिकुलर सर्वर पे जहां पे प्रिंटर कनेक्टेड है तो उनके लिए हम प्रिंट सर्वर यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सर्वर हो गया, हमें उन सर्वर से उन फाइल से रिलेटेड कुछ ईमेल भेजना है किसी पर्सन को, किसी बंदे से फैक्स यूज करना है, किसी से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है तो हम उसके लिए कम्युनिकेशन सर्वर यूज करते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, मान लीजिए उस सर्वर पे कोई गेम रखा हुआ है, उस गेम को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, दो अलग अलग प्लेयर खेल रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन सर्वर होता है, डोमेन सर्वर, इन सभी चीजों को कोई एक डोमेन रखी हुई है, मान लीजिए google.com है तो उसके लिए डोमेन सर्वर हो गया, डोमेन सर्वर पे वो जाएगा चेक करेगा हाँ ये डोमेन सर्वर हो गया, उससे रिलेटेड जितनी भी HTML फाइल्स हैं या PHP फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स आपके ब्राउजर पे भेज देगा और ब्राउजर जो है उसको रन कर देगा, कंपाइल कर देगा,
ठीक है, कंपाइल क्या होता है इसके बारे में, एक कंपाइलेंस मीन्स वो उस पर्टिकुलर सारी जितनी फाइल्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी डिफिनीशंस डिफाइंड हैं उनके अंदर, उन सबको वो एग्जीक्यूट करता चला जाएगा और उनसे रिलेटेड एक फ्रेम बनाता चला जाएगा। तो कंपाइलर का काम बेसिकली यही होता है, ठीक है, जो बेसिक है कंपाइलर का वो यही होता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपका जो डेटाबेस सर्वर, तो हो ही गया है, ठीक है। उसके अलावा ये इस तरीके से इतने 6 सर्वर हो गए, तो अब इनके अंदर डेफिनेशंस हैं अलग अलग। एफ फाइल सर्वर में FTP भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल में हम जो है वो ईमेल सर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है। POP3 इस तरीके से सर्वर्स होते हैं, तो वो सर्वर्स यूज़ करते हैं हम उस। तो इस तरीके से सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। बेसिकली सर्वर का रोल यही होता है, वो एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए डेडिकेटेड मशीन्स भी होती हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ फेसबुक की, अगर मैं फेसबुक पे कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर को, तो वहाँ पे डेटा सेंटर्स उनके बने हुए हैं। ये डेटा सेंटर्स रहे यहाँ पे, अब चूंकि ये वो वेबसाइट्स हो गई जिनके ऊपर मिली सेकेंड या फिर जिनके ऊपर 1 सेकेंड के अंदर करोड़ों रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो उनके लिए एक सर्वर से तो काम चलना नहीं है या फिर एक मशीन से काम नहीं चलना। तो इसके लिए एक पूरी एक छोटे सा एक प्रिसाइज वे में, अब वो इतना बड़ा बड़ा सर्वर रखेंगे या इतनी बड़ी सीपीयू कैबिन पूरा वो वहाँ कहाँ रखेंगे, तो इसके लिए उन्होंने सबसे प्रिसाइज वे में जितना हो सकता है उतना एक एक सर्वर मशीन बनाई। ये रहा उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस मशीन को, इस मशीन के अंदर हार्ड डिस्क अटैच्ड है, इस मशीन के अंदर सर्वर का प्रोग्राम अटैच्ड है, इंस्टॉल्ड है, और इनके अंदर वो रिक्वेस्ट आती है डेटा सेंटर से, वो कम्युनिकेट करते हैं, डेटा वो सर्वर को भेजते हैं, जो आपका डोमेन सर्वर है, डोमेन सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट आती है, डोमेन सर्वर उसको कंपाइल करके उन सभी चीज़ों को गैदर करके वो भेजता है हमारे सर्वर के, हमारे ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर उसको कंपाइल करके एक पिक्चर क्रिएट कर देता है। तो ये बेसिकली सर्वर का काम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई आपका सुझाव या कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रीड करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की या फिर उसको ऐड करने की, या फिर अगर कोई आपका टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप ये टॉपिक वहाँ पर मैंशन कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ बनाने की। और जितने भी 6 सर्वर्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की सारी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली जो टारगेट है टेक्निकल लाइब्रेरी का उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।